नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के जरिए चर्चित हुए युवा नेता हार्दिक पटेल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही हार्दिक कांग्रेस की टिकट पर गुजरात के जामनगर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी। हालांकि सबसे तेज न्यूज इस बात की घोषणा नहीं करता कि कांग्रेस में शामिल होंगे हार्दिक पटेल या फिर किसी अन्य पार्टी में। सूत्रों ने बताया कि हार्दिक पटेल 12 मार्च को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी में शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। जिस जामनगर सीट से हार्दिक लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं, वहां से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनम बेन माधव सांसद है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और कांग्रेस आम चुनाव के मद्देनजर राज्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कड़ी टक्कर दी थी। इसमें हार्दिक पटेल की अहम भूमिका थी। हालांकि इससे पहले 21 फरवरी को हार्दिक पटेल ने अखिलेश के साथ सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के यूपी में हुए सपा बसपा गठबंधन का स्वागत किया था। कहा था कि यह गठबंधन बहुत मजबूत है जो भाजपा को यूपी में हरा सकता है। इस दौरान पटेल ने कहा था कि मैं यूपी के दौरे पर हूं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र गया था। लोग भाजपा के शासन से त्रस्त हैं और उनसे छुटकारा चाहते हैं। हार्दिक ने कहा था कि उन सभी लोगों के साथ हूं जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार संविधान विरोधी है। देश मोदी सरकार से नहीं, संविधान से चलता है। भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते। पुलवामा हमले में उन्होंने अखिलेश यादव से CRPF जवानों को पूर्ण सैनिक का दर्जा देने की मांग उठाने की बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने कहा कि केंद्र की कार्यशैली पर उठाते हुए जब कोई VIP जाता है तो 50 मिनट पहले ही सड़कें बंद हो जाती है, लेकिन CRPF जवान के जिस सड़क से जा रहे थे उसे क्यों नहीं बंद करवाया। मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हार्दिक ने गुजरात मॉडल पर कहा कि जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेचा जाता है, उसी गुजरात के 20 जिलों में सिंचाई का पानी नहीं है। इस सरकार ने गुजरात मॉडल दिखाकर देश का बुरा हाल कर दिया। आज किसान, नौजवान, महिलाएं सभी परेशान हैं। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। हमें इन लोगों से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कांग्रेस में शामिल हों हार्दिक पटेल। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।